हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम लोग बनाने वाले टॉप 3 सिंचन टॉयज जो कि स्कूल टॉयज होंगे। तो चलिए मैं सिंचन का फेस पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर सिंचन का फेस मैंने ड्रॉ कर लिया है, जैसे कि आप सब देख सकते हो। मैंने यहाँ पर इसे पेंसिल और पेन का से आउटलाइन कर दिया अच्छे तरीके से और कलर कर दिया, जिससे ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर हम लोग यहाँ पर सीजर से इसके आउटलाइन वाले पार्ट को यहाँ पर कट कर लेंगे और जो बाहर वाला ब्लैक वाला पार्ट है उसे हम लोग थोड़ा रहने देंगे ताकि ये देखने में अच्छा लगे फ्रेंड्स। इसलिए मैं यहाँ पर इसे जल्दी जल्दी से यहाँ पर कट कर लेता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिया है। फिर इसके बाद हम लोग एक पतला सा कार्डबोर्ड ले लेंगे, फिर हम लोग इस पर 15 सेंटीमीटर मार्क लगा लेंगे। फिर इसका जो चौड़ाई हम लोग 2.5 सेंटीमीटर रखेंगे। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर इसे स्केल से लाइन खींच लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि ये जो हमारा स्केल है वो थोड़ा स्ट्रेट है, जिससे कि हमारा जो लाइन है वो सीधा खींचा पाएगा फ्रेंड्स। चलिए, इस पर मैंने मार्क लगा दिया है। इसी तरीके से हम लोग को यहाँ पर दो पीसेस की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि देख सकते हो मैंने यहाँ पर इसे दो पीस ले लिया है। फिर हम लोग इन दोनों को आपस में अच्छे तरीके से यहाँ पर फेविकॉल से चिपका लेंगे। तो चलिए, मैं इसे जल्दी से चिपका लेता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर जैसे कि आप सब देख सकते हो यहाँ पर मैंने इन दोनों को पीसेस को अच्छे तरीके से चिपका लिया है। फिर हम लोग इसे कलर पेपर से रैप कर देंगे। अगर आपके पास कलर पेपर नहीं होगा तो फ्रेंड्स, तो आप नोटबुक पेपर से भी इसे रैप कर सकते हो। तो चलिए, मैं यहाँ पर इसे पेन से मार्क लगा दो, जैसे स्केल में 1-1 सेंटीमीटर का डिफरेंस पर मार्क रहता है, हम लोग उसी तरीके से यहाँ पर मार्क लगा रहे हैं। तो चलिए, मैं इस पर मार्क लगा लेता हूँ। तो गाइस, हमारा यहाँ पर मैंने मार्क लगा लिया है। फिर हम लोग इस पर 1-2-3 करके पूरा जितना सेंटीमीटर हमारा है उतना तक हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर मैंने 14 तक लिख लिया है। तो यहाँ पर हमारा स्केल जो है बस रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। फिर हम लोग यहाँ पर एक पतला वाला कार्डबोर्ड ले लेंगे और फिर हम लोग इसके ऊपर जो है हमारा जो कटिंग किया हुआ है सिंचन है उसे हम लोग इस पर चिपका लेंगे। फिर हम लोग इसके आउटलाइन वाले पार्ट को यहाँ पर सीजर की मदद से यहाँ पर कट कर लेंगे। तो हमारा ये जो है थोड़ा सा हार्ड हो चुका है। तो चलिए, मैं यहाँ पर इसे थोड़ा साइड में यहाँ पर फेविकॉल लगा लूँगा स्केल के ऊपर। फिर मैं इस सिंचन के फेस को यहाँ पर चिपका लूँगा ताकि ये देखने में अच्छा लगे फ्रेंड्स। और ये हमारा स्केल जो है बन करके तैयार हो चुका है। तो चलिए, मैं आपको इसे अब टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो हम लोग इसे एक स्ट्रेट लाइन खींच पा रहे हैं। तो आप इसे अपने प्रोजेक्ट ये सब बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, इसे लाइन खींच सकते हो, ये भी स्ट्रेट लाइन जैसे कि आपने देखा। तो चलिए गाइस, हम लोग सेकंड टॉय को बनाते हैं। सेकंड टॉय को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 10x10 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर पेपर लिया हुआ है। फिर हम लोग इस पर क्रॉस सा एक साइन बना लेंगे, जैसे मैंने बना रहा हूँ। एक स्ट्रेट लाइन इधर से खींच लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन हम लोग इधर से खींच लेंगे। यहाँ पर एक क्रॉस बन चुका है फ्रेंड्स। फिर एक ट्राइंगल को हम लोग यहाँ पर कट करके निकाल लेंगे। तो चलिए, मैं यहाँ पर इसे जल्दी से कट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिया है। अब ये इन दोनों अपोजिट ट्राइंगल को हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे, जैसे कि देख सकते हो आप। यहाँ पर मैंने इसे फोल्ड कर दिया, फिर मैंने इसे यहाँ पर फोल्ड कर दिया। फिर इन दोनों को आपस में एक के ऊपर एक रखते हुए हम लोग यहाँ पर फेविकॉल की मदद से यहाँ पर इसे चिपका लेंगे। अगर आपके पास कलर पेपर नहीं है तो आप यहाँ पर नोटबुक पेपर को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, हमारा जो लास्ट टॉयलेट है वो काफ़ी अमेजिंग होने वाला है, तो वीडियो को ज़रा से भी स्किप मत करना और वीडियो के एंड तक बने रहना। चलिए, मैं यहाँ पर एक और फेस बना करके रखा था सिंचन का, इसे मैं यहाँ पर इसे चिपका लेता हूँ। तो गाइस, हमारा जो यहाँ पर बुक मार्क यहाँ पर बन करके तैयार हो चुका है। चलिए, मैं इसमें आउटलाइन कर लेता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। चलिए, मैं आपको इसे अब टेस्ट करके दिखाता हूँ। जब आपके पेजेस उड़ने लगते हैं फ्रेंड्स, तो आपको दिक्कत होता है पढ़ने में, तो आप यहाँ पर इसे लगा करके अपने पेजेस उड़ने से रोक सकते हो। तो यहाँ पर हमारा अब थर्ड टॉय को चलिए हम बना करके दिखाते हैं। तो गाइस, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो मैंने यहाँ पर फिर से एक सिंचन का फेस ले लिया है और एक मैंने रिंग लिया हुआ है चाबी, और फिर हम लोग इसमें जो है रबड़ बैंड एक लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। तो चलिए, मैं इसे अंदर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अंदर इसे कर लिया है। फिर उसके बाद हम लोग इसे इस सिंचन के फेस को पलटते हुए हम लोग यहाँ पर इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर रख लेंगे। फिर हम लोग इसे अच्छे तरीके से यहाँ पर फेविक्विक की मदद से यहाँ पर चिपका लेंगे। ये फेविक्विक मैंने यहाँ पर इसे लगा दिया है, तो ये अच्छे तरीके से चिपक जाए इसके लिए मैंने यहाँ पर सीजर की मदद से यहाँ पर थोड़ा सा टैप टैप कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा जो है रिंग बन करके तैयार हो चुका है, चाबी रिंग, जिसमें आप यहाँ पर सिंचन का फेस देख रहे हो। ये अब देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।